फ्रेंड्स, नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट स्टोरी इन आर रामन स्ट्रक्चर सीरीज। लेट मी ओपन द बुक फॉर यू एंड देन वी विल फर्स्ट रीड द स्टोरी इन हिंदी देन इन इंग्लिश। पहले उसको कहानी को हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये स्टोरी खुल गई होगी जिसका नाम है सीतावन एंड द हंटर्स, सीतावन और शिकारी, टेक्नोलॉजी स्टोरी। तो अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी में पहले पढ़ेंगे। सीतावन जंगल अपने विकास और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। वहां सभी जानवर खुशी से रह रहे थे, लेकिन अचानक वहां उन शिकारियों का भय छाने लगा जो जंगल में आकर भोले भाले जानवरों को मारने लगे। सभी जानवर बहुत डरे हुए थे और अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पा रहे थे। इसी समस्या को लेकर वे शेर राजा के पास गए। महाराज महाराज हमें बचाओ, उन्होंने शेर से कहा। शेर राजा भी असहाय था। हमारे लिए शिकारियों का सामना करना कठिन है क्योंकि उनके पास सदा हथियार होते हैं, शेर ने कहा। लेकिन उसने इस समस्या का हल जानने के लिए जानवरों की एक सभा बुलाई। उस सभा में हमेशा की तरह चालाक बंदर ने एक अच्छी सलाह दी। हम जंगल के हर तरफ कुछ कैमरे लगा देंगे। जब शिकारी जंगल के भीतर आने लगेंगे, यह कैमरे हमें हमारे नियंत्रण कक्ष में लगे मॉनिटरों पर उनके चित्र दिखाकर सूचित कर देंगे और हम सबको खतरे की सूचना दे देंगे, बंदर ने कहा। शेर और दूसरे जानवर संतुष्ट थे। जंगल के बाहर एक सीमा बनाई गई, इसे नियंत्रण रेखा कहा गया। जैसा बंदर ने सुझाव दिया था, नियंत्रण रेखा को देखने के लिए पेड़ों के ऊपर कैमरे लगाए गए। जैसा कि आप इस इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं, ये पेड़ों के ऊपर यहाँ कैमरे लगाए हैं, ये कंट्रोल रूम है। जब कोई हंटर या शिकारी यहाँ से जंगल के अंदर एंटर करता है तो जो ये कैमरास हैं वो उसकी पिक्चर को कैप्चर कर लेंगे और यहाँ पर ट्रांसमिट कर देंगे, यहाँ कंट्रोल रूम में। यहाँ ये मॉनिटर के ऊपर देखकर छुप जाएंगे जंगल में ये जो जानवर हैं, और शिकारी उनको मार नहीं पाएंगे। तो यही लिखा है इस कहानी में आगे। यह कैमरे उन सबके चित्र जंगल के नियंत्रण कक्ष में भेजने लगे जो नियंत्रण रेखा को पार करके जंगल में प्रवेश करते थे। क्योंकि ड्यूटी पर तैनात जानवर सदा मॉनिटरों पर नजर रखते थे, वे ऊंची घंटी बजाकर सबको खतरे की सूचना दे देते थे। इस तरह सब जानवर छिप जाते थे। शिकारी जंगल में किसी जानवर को देख नहीं पाते थे, वे छिपे हुए कैमरों को भी नहीं देख सके। घंटों प्रतीक्षा करने के बाद और थक कर वे अपने घर वापस चले जाते हैं। छिपे हुए कैमरे शिकारियों के जाने की सूचना भी दे देते हैं ताकि जानवर बाहर आ सकें। धीरे धीरे शिकारियों ने उस जंगल में आना बंद कर दिया और जानवर फिर शांतिपूर्वक रहने लगे। तो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, कंप्यूटर से निगरानी। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग संवेदनशील क्षेत्रों में कंप्यूटर और डिजिटल कैमरों के द्वारा दूर से निगरानी के लिए किया जाता है। तो अब इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। द सीतावन फॉरेस्ट वॉज नोन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। All the animals were living happily there, but suddenly it started facing the threat of some hunters who would come in the forest and kill the innocent animals. All the animals were quite scared and were not able to do their work properly. With this problem, they approached the Lion King. King, please save our lives, they appealed. The Lion King, too, was helpless. It is difficult for us to face the hunters, as they are always armed with weapons, the lion said. However, he called a meeting of the animals to discuss this problem. During the meeting, as usual, the clever monkey gave a good suggestion. Let's fix a few cameras in all the directions outside the forest. As soon as the hunters enter, the cameras would send their images on the monitors fixed in our internal control room, and we would raise the alarm. The monkey gave the solution. The lion, as well as other animals, were satisfied.
एन आउटर बाउंड्री वॉज फिक्स्ड अराउंड द फॉरेस्ट, इट वॉज कॉल्ड द कंट्रोल लाइन एज सजेस्टेड बाय द मंकी। कैमराज वर फिक्स्ड वेरी हाई ऑन द ट्रीज टू गार्ड द कंट्रोल लाइन। दीज कैमराज वर एबल टू क्विकली सेंड पिक्चर्स इन फॉरेस्ट कंट्रोल रूम ऑफ ऑल हु वुड क्रॉस द कंट्रोल लाइन टू एंटर द फॉरेस्ट। सिंस द एनिमल्स ऑन ड्यूटी वर रेगुलरली वॉचिंग द मॉनिटर्स, दे वुड सेंड एन अलर्ट टू ऑल एनिमल्स बाय रिंगिंग लाउड बेल्स। दस ऑल द एनिमल्स वुड गो टू देयर हाइडिंग्स। द हंटर्स वर नॉट एबल टू फाइंड एनी एनिमल इन द फॉरेस्ट। ऑल्सो दे कुड नॉट सी द हिडन कैमराज। आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स एंड गेटिंग टायर्ड, दे वुड गो बैक टू देयर होम्स। द फिक्स्ड कैमराज वुड अगेन इन्फॉर्म अबाउट द हंटर्स डिपार्चर सो दैट द एनिमल्स कुड कम आउट। स्लोली द हंटर्स स्टॉप कमिंग टू दैट फॉरेस्ट एंड द एनिमल्स वंस अगेन स्टार्टेड लिविंग पीसफुली। टेक्नोलॉजी इज कंप्यूटर बेस्ड सर्विलेंस। दिस टेक्नोलॉजी इज यूज टू रिमोटली ऑब्जर्व सेंसिटिव एरियाज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कैमराज। तो जैसा आपने ये ऊपर इलस्ट्रेशन में देखा है, हम कंप्यूटर और डिजिटल कैमराज इसमें यूज करते हैं। आपने आजकल देखा होगा जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं जिसके अंदर जाकर बहुत से जो कस्टमर्स हैं अपना सामान पहले देखते हैं फिर खरीदते हैं, उन शॉप्स में भी ये सर्विलेंस कैमराज लगे होते हैं और सिटी में भी अलग अलग जगह लगे होते हैं ताकि अगर कोई ऐसे एक्टिविटी हो विच इज सस्पिशियस तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे पुलिस है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, और इस केस में ये जो एनिमल्स थे उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ये स्टोरी है, ये इसमें इंग्लिश है ये, और ऊपर इसके इसकी हिंदी में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन दी गई है जिससे आप इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश सीख सकें, और साथ में आपको नई कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में भी पता चलेगा इस स्टोरी से। तो आप इसके सब के लिंक्स जो रेलेवेंट लिंक्स हैं वो मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। यू कैन क्लिक दोज लिंक्स एंड फाइंड मोर अबाउट दिस स्टोरीज एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो आज के वीडियो में यही मैंने आपको बताना था। नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन। तो अब इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।